अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर की दीवारों पर लगेंगी पौराणिक कलाकृतियां, 3600 मूर्तियों की हो रही बारीक नक्काशी। महाकाल के दरबार में बनाया जा रहा है भक्त निवास, 200 करोड़ की लागत से 2200 कमरों का हो रहा है निर्माण। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर से 300 मीटर आगे होगी 60 क्विंटल की ओम चिन्ह की स्थापना, आकृति को गुजरात में किया गया है तैयार। माँ वैष्णो देवी मंदिर में लागू होगा काशी विश्वनाथ धाम का मॉडल, भक्तों को निःशुल्क भोजन, साफ सफाई सहित फूड कोर्ट की सुविधा होगी उपलब्ध। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति के अलावा हिंदू शास्त्रों पर आधारित 3600 मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएंगी। इस बारे में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित कथाओं के आधार पर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ धाम की भव्यता को अधिक बढ़ाने के लिए मंदिर परिसर में 300 मीटर आगे 60 क्विंटल के ओम चिन्ह को स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि मंदिर में विस्तार के दूसरे चरण के तहत ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। ओम की आकृति गोल प्लाजा में स्थापित की जा रही है, ये 60 क्विंटल की आकृति गुजरात में तैयार की गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही भक्त निवास का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक भक्त निवास में लगभग 200 करोड़ की लागत आएगी। 32 एकड़ में बन रहे भक्त निवास में लगभग 2200 कमरे होंगे। अब काशी विश्वनाथ धाम का मॉडल माँ वैष्णो देवी में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत भीड़ प्रबंधन, बाबा का भोग प्रसाद, निशुल्क भोजन, साफ सफाई, रेवेन्यू जनरेशन सहित फूड कोर्ट आदि सुविधाओं पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में अब माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर व्यवस्था कायम करने की योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में भक्तों को वैष्णो देवी की तर्ज पर ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन आरती बुकिंग और प्रसाद की व्यवस्था मिल सकती है। हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ 20 मई को खोल दिए गए हैं। पहला जत्था पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ। पहले जत्थे में 700 से अधिक यात्री शामिल हैं। फिलहाल यात्रा के लिए बुजुर्ग व बच्चों की मनाही की गई है।